समस्तीपुर जिला के खानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विशनपुर आबी गांव में शुक्रवार को समना स्कूल के गेट का दीवार टूटकर गिरने से उसके नीचे दबकर एक बच्ची की मौत घटना स्थल पर हो गई, वहीं दूसरी बच्ची का सर फटने की वजह से जख्मी हो गई। मृतक की पहचान खंजापुर गांव निवासी जितेंद्र कांति की 8 वर्षीय पुत्री नंदिनी कुमारी 8 वर्ष के रूप में हुई है। जख्मी की पहचान राजकुमार पंडित की 10 वर्षीय पुत्री रितिका कुमारी के रूप में की गई है। घटना को लेकर बताया जाता है कि गांव में शादी समारोह को लेकर बच्चियां महिलाओं के साथ काली पूजने निकली थी। इसी दौरान भीषण गर्मी में दोनों बच्चियों को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए समना स्कूल चली गई। पानी पीकर लौटते समय सड़क पर चढ़ने के दौरान अचानक स्कूल के गेट का दीवार टूटकर दोनों के ऊपर गिर गया, जहां ईंट से दबने की वजह से नंदिनी की मौत हो गई, वहीं रितिका का सर फट गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई, वहीं गांव में चल रहा खुशी का माहौल मातम में बदल गया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मां कुसुम देवी बेटी को खोजते हुए बार बार बेहोश हो जा रही थी। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी स्थानीय थाना के चौकीदार ललित पासवान व जनप्रतिनिधियों को दिया। चौकीदार के द्वारा खानपुर थाना को सूचित किया गया। इसके बाद पहुंची पुलिस ने कागजी कार्रवाई के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया। इधर घटना के बाद से ग्रामीणों में विद्यालय प्रशासन के प्रति आक्रोश देखा गया। मौके पर मौजूद रंजीत कुमार का कहना था, विद्यालय में भवन बनाने के समय काफी अनियमितता हुई, जिस वजह से गेट का दीवार टूट कर गिर गया। ग्रामीणों का कहना था, विद्यालय का चार दीवारी तथा निर्माण किए गए भवन किसी भी समय गिर सकता है। ग्रामीणों इसकी उच्च स्तरीय जाँच की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप लोग जुटे हुए हैं, क्या मामला है? मामला है, शादी था और काली माता को पूजने के लिए आया था। उसमें बच्ची नंदिनी नाम का लड़की था, जो कि पानी पीने समना स्कूल पे आया। वो पानी पी के घूम के जब वो जा रहा था, ऊपर चढ़ रहा था रोड पे, तो ये दीवार और गिर गया उसके सर पे। एक साल से दीवार हिल रहा था। हाँ, जो कि एक साल से डैमेज था, लेकिन यहाँ का मास्टर लोग कोई इस पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए मेरा जो बच्चे था इसका मृत्यु यहाँ हो गया। इसका जवाब कौन देगा? क्या नाम है आपका? हमारा नाम रंजीत कुमार है। आप बोलिए तो। फिर भी कहता है कि बच्चे को ईंट से मारा गया है। कौन कह सकता है ईंट से मारा गया है? आपके आके सामने में देखिए है, कैसे मरा बच्चा? बच्चा ये दीवार के नीचे दब के मरा है। और डॉक्टर कह रहा है कि नहीं, उसको ईंट से मारा है कोई। इसका रास्ता कौन निकालेगा? जो कि थोड़ा सा हवा का झोंक आया और ये दीवार गिर गया। क्या नाम है आपका? राम कुमार। आप बोलिए तो, क्या बात है? बात ये है, कल आया था दीवार पूजने के लिए, काली थान पूजने के लिए। विवाह था मेरे भतीजा को, उसमें बच्चे लोग लेडीज लोग सारे आया। दीवार पूज के आपस जा रहा था, बच्चे गया पानी पीने के लिए, ठीक उधर से आ रहा है। अभी पहले से दीवार हिल रहा था, साल 6 महीना से हिल रहा था। कौन बनाया था ये? कौन बनाया? ठेकेदार बनाया, मास्टर बनवाया, बस पलटा बच्चा इधर उधर है, सिर इधर है। स्कूल बंद रहना चाहिए, स्कूल खुल गया क्यों? बच्चा ले गया इसलिए बच्चा जब तक नहीं मिलेगा तब तक स्कूल बंद रहेगा। सब आदमी इधर आए हैं, क्या मामला है? बच्चे कैसे मरी? बच्चे कैसे मरी? गेट गिर गया, स्कूल का गेट गिर गया, और गेट गिरने के बाद बच्चा चपा गया, वो मर गया उसमें। आप चौकीदार हैं? हाँ, चौकीदार हैं। किस पंचायत के? बिशनपुर आबी के हैं। चौकीदार नंबर क्या है आपका? 15-18 है, 15-3 है। कौन सा थाना? खानपुर थाना। ये घटना सही है? सही घटना है। दब के मरी है? दब के मरी है, ये समाज के कर्तव्य से। चलो ठीक है, सही।